अब यही देखना बाकी रह गया था। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज होता है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी आप हमारे ब्लॉग में बहुत ही आपका स्वागत है। और ये देखिए लौंडे कर क्या रहे हैं पार्क में आके। इन लोगों को और कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये लड़के हैं मोहल्ले के और इन लोगों का यही काम है। और ये देखिए, ये 6 महीने 6 मंथ का लड़का है जो अभी खेल रहा है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए भाई, गुस्सा हो गया है क्या ये? कोई ना, पाल जी को मैं दिखाता हूँ अभी। वो मुझे लग रहा है ऐसे कि वो 6 महीने के लड़के हो गए हैं और उनके चलने का जो स्टाइल है आप देख लीजिए। पाल जी, अभी यहाँ पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। अभी कैसा महसूस कर रही हैं चला के आप? कुछ नहीं, सही चल रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है? हा? मजा आ रहा है? मतलब वीडियो बना रहे क्या? थोड़ा स्पीड कीजिए। हाँ हाँ, ये तो बड़ा तगड़ा सिस्टम है भाई, बहुत हेवी लग रहा है ना? और ये भी है, ये भी तगड़ा है। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा फास्ट करो। ए, ऊपर पकड़ नहीं लग जाएगा। और फास्ट बढ़ाओ, और फास्ट। हाँ और फास्ट जितना फास्ट हो सके चलाओ। 400-500 का स्पीड हो जाएगा। 400-500 के स्पीड में ये लड़के चलाएंगे। चलाओ स्पीड करो। आइए देखो, कहीं तगड़ा लग रहा है ना भाई? यही एरिया है जिस दिन हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और हम लोगों ने जो बॉल, मतलब जो बॉल गुम हो गया था वो यही एरिया है। ये वाली था, इसको इसका मुंह देखो भाई इसका। और ये हमारा वो क्रिकेट एरिया था, हमारा बॉल गुम हो गया था यहीं पे। मैं दिखाता हूँ, एक छोटी सी रिवर है यहाँ पे। यही रिवर थी और उधर गेंदा हमारा जो है वही ग्राउंड था हमारा, और ये इसी में आके गिरा था उस साइड में या नहीं। बाकी ये हमारे पास का, ये देखो इसका, ये छोटा सा दिख रहा है भाई, डूबता हुआ सूरज। ये हमारे कॉलोनी के पास का पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। जो छोटे छोटे बच्चे जो काफ़ी होते हैं ना, वो यहाँ पे ज़्यादा आते हैं खेलने वगैरह के लिए। ये तो ये स्कूल में, जब हम लोग छोटे स्कूल में थे तो ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। ये इधर से ये चढ़ा जाता है या बैठा जाता है। अभी थोड़ा इवनिंग हुआ, देखो भाई काफ़ी नमी है इसमें, इसको वाटर डाला गया है इसमें। पाल जी, आप ऐसा लग रहा है कि आप ही चाइल्ड हो गए हैं। ये चाइल्ड को, चाइल्ड लोगों के लिए है ना, कि आपके लिए है, ठीक है? ये टूट गया। आप गिरिएगा तो पता ही कहाँ जाइएगा। एकदम समुद्र में। आप एकदम ऐसा लग रहा है कि 6 मंथ के बच्चे हैं। और भी मैं बहुत सारे और भी इक्विपमेंट्स आपको दिखाते हैं। ये देखिए सबसे मज़ेदार ये चीज़ है, ये देखिए। मैं बैठता हूँ इस पर थोड़ा। ये प्यारी क्या, एक था राजा एक थी रानी, मर गई रानी खत्म कहानी। ये मजा रहा है, ये थोड़ा बज रहा है भाई। देखे सही है, आवाज़ आ रही है इसमें से भाई। डेली शाम को अपना ये सिस्टम, डेली शाम को हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? और अपना सिस्टम जमाए रहते हैं, इधर घूमते रहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारा भाई। ये है, कुछ भी कहो, यहाँ हवा चले या ना चले, लेकिन पार्क में आने के बाद से इधर बहुत ही सुकून मिलता है, ठंडा रहता है। और ये भाई, ये 30 साल का लड़का है, ठीक है? ये जो लौंडा है ये 30 साल का बच्चा है। और ये इसको देखिए, ये 10 साल का है। नहीं, और ये 25 साल का बालक है। 25 साल का बालक है।
बड़ा नहीं है, ये 25 साल का बालक है। और ये बैठा किस पे है, ये क्या है? तो पैर उसको, पैर तो ऊपर कर लो, पैर ऊपर कर रहे थे ऐसे ऐसे करके। बड़ा सही बनाया है, ऐसा लग रहा है स्कूल के लिए है। स्कूल के लिए हो सकता है क्या? हो भी सकता है स्कूल के लिए। और ये बाय बाय हाय हाय, ये छोटे 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 बच्चों के लिए ना, ये हमारे लिए, हमारे हम लोगों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो आते हैं। और ये सब है कि यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, ये पुशअप लगा सकते हैं, ये सारे हम लोगों के लिए हैं। तो ऐसे ऐसे चीजें हम दिखाते रहते हैं। ये देखिए लौंडे को, ये देखिए क्या भौकाल है भाई। एक बार वन मोर नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। ये जो 25 साल का लड़का है, ये देखिए इसका स्टाइल देख रहे हैं, हमें नहीं पता था कि ऐसे भी ये मार सकता है। गजब भाई, एक बार बोर लाजवाब लाजवाब, क्या बात है, सही है जो भी है। और ये बहुत सारी चीजें देख, अभी 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 दिखाई गई। भाई मिस्टेक हो गया, दम टूट गया, एनर्जी खत्म है भाई, तुम्हारा कहानी खत्म है, ठीक है, एनर्जी ही नहीं है तुम्हारे। लेकिन ये आप मॉर्निंग टाइम के लिए बहुत सही है, आप मॉर्निंग में आके इसमें अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं हेल्थ बनाने के लिए। ये देखिए घूम कैसे रहा है, ठीक है कि ये थोड़ा भाई पूरा ग्रीन है, जिसने भी इसको रखा है, बना के रखा हुआ है, पूरा एकदम एरिया ग्रीन है, एकदम पौधे वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद से इसमें पानी वगैरह टोटली पानी मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, मतलब इसको देते रहता है लोग, पानी गिराते रहता है लोग, ताकि एकदम ग्रीन ग्रीन रहेगा। ये एक ये था, ये थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ये वाला ठीक है। ये चल कैसे रहा है, ये चल कैसे रहा है, स्पीड में चल रहा है, वही हाल तो सबका है, हालत खराब हो जाएगा भाई। हमसे तो चला ही नहीं जाता है ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट है ना, अगर पैर स्कीड किया तो आप फटाक से गिर जाओगे, पैर स्कीड किया तो गिर जाओगे और चोट लग जाएगी। मतलब थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस चाहिए ये सब चलाने के लिए, ये भी सही है। तो इस पार्क का क्या नाम है मालूम है, पार्क का क्या नाम है? नहीं नहीं बड़ा पार्क, और छोटा वाला कौन सा है, वो वहाँ वाला नहीं, इसका बड़ा पार्क क्या, ऑक्सीजन पार्क क्या नाम है? अच्छा दोनों है ना, अच्छा ऑक्सीजन पार्क नाम है इसका, कॉलोनी में ही है हमारे सोसाइटी में, तो यूनिवर्सिटी में। तो हम जिस दिन यहाँ पे खेल रहे थे क्रिकेट, जिस दिन खेल रहे थे इसी के साइड में, तो भाई बॉल आके गिरा हुआ था, बॉल आके गिरा था, जो मतलब निकालने के लिए काफ़ी हमारा टीम अथक प्रयास की हुई थी। और ये लौंडा देखो थक गया भाई, इतना आसानी से नहीं हो पाएगा, ये छोटा बच्चा है। चलो 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 चलो, एक बार मारो तुम, पकड़ो, पहले बनाओ मेरी, चलो मैं बना रहा हूँ तुम्हारा। हाँ हमरे से ना करो, अब शुरू करो। हाँ शुरू करो, इसे एक बार तुम भी कर लो, हो जाएगा, इसे नहीं, इसका वेट ज्यादा है, थोड़ा इसलिए नहीं हो पाएगा। और ये फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, थक गया है भाई, थक गया है भाई, वजन और ज्यादा है तो नहीं कर पाओगे इधर, क्योंकि थोड़ा होना चाहिए, वेट चाहिए भाई, दम चाहिए उसको करने के लिए। यहाँ पे मजा आता है हमको, ये भाई, ये नहीं यार, इस पे उतना वो फास्ट नहीं चल रहा है, मैं चलाता हूँ किसी को। ये घूम रहा है अभी भी, ये काफ़ी देर से घूम रहा है, कोई उसको ना भी चलाए तो भी घूमता रहता है। और एक ये है, वो भी चलता है, उधर दोनों तरफ बैठने वाले हैं, वो दोनों तरफ बैठ के आप कर सकते हैं। वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम बैठेंगे इस पे, ठीक है, इस पे बैठ के थोड़ा
वो करते हैं कि क्या स्टेटस है भाई, क्या बात है, इसमें मजा आ रहा है। तो इसमें मजा आ रहा था, एक बात याद आ गया मुझे इसी बात पे कि जो पहले के राजा थे उनके 10 रानियां होती थी, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि 10 रानियों के, सॉरी, एक रानी के 10 राजा हैं। तो ये थोड़ा चेंज हो गया है, ईरा चेंज हो गया है, लेकिन एक वक्त ऐसे आएगा कि फिर से एक राजाओं के 10 रानियां होंगी। ऐसा हो सकता है क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल, कह दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई मज़ा आ रहा है इसमें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लूँ, लग रहा है थोड़े बहुत सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और ऐसी ऐसी चीज़ें हम तो दिखाते रहते हैं अपने ब्लॉग में। और ये लौंडे हैं, ये फ़ोटो खींच रहे हैं, लेकिन जो लड़का है फ़ोटो खींचने वाला, उसने अभी तक एक भी फ़ोटो अच्छा खींचा नहीं है। और जो लाल शर्ट वाला है वो पता ना कहाँ का है लड़का, वो अथक प्रयास कर रहा है कि मेरी एक फ़ोटो अच्छी आ जाए, लेकिन अभी तक आई नहीं है। जस्ट किडिंग ब्रो, जस्ट किडिंग भाई। बहुत शांत एरिया है, पीसफुल प्लेस है ये। सबसे तगड़ा ये लग रहा है सनसेट, वाइट इधर ये। चलो भाई आगे चलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। और भी मैं क्या बताऊं कि यहाँ आने के बाद से कितनी एनर्जी आ जाती है अंदर, ठीक है, बहुत एनर्जी आ जाती है अंदर। यहाँ पे ये जो लगा है ना आगे वाला, ये छोटे बच्चों के लिए है। ये छोटे बच्चे इस पे अक्सर, मतलब अक्सर नहीं, काफ़ी आते हैं। अभी जैसे शाम हो गया है ना तो इस पे आएगा लोग। और इधर से चढ़ के दिखाता हूँ, यहाँ से ये लोग चढ़ेगा और यहाँ से उधर उतरेगा। तो ब्लॉक ये देखिए, अब यही देखना बाकी रह गया था। भाई क्या हो गया है तुम्हें? और ये देखो, पैरों का एक्सरसाइज है ये। उस पे जाओ पप्पू, करो उस वाले पे, वो पे उनका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज होता है। अच्छा अच्छा। हमारी जो मांसपेशियां है पैर की और कमर की, वो एकदम व्यवस्थित रहती है, इसको पैरों का एक्सरसाइज बोलते हैं। अच्छा ये देखिए इसको, अच्छा ये सब बोलना चाहिए। ये पप्पू है हमारा, बोलते रहिए। हम और हमारे एमडी भाई दोनों आदमी कर रहे हैं ये सब ग्रीन सिग्नल। भाई तुम्हें कौन सी परेशानी है, तुम ऐसा क्यों कर रहा है? हैं, ये देखिए इसको, देखिए ये सिस्टम इसका समझ नहीं आ रहा है। अरे आराम से। और ये वाला एक्सरसाइज बहुत क्रिटिकल है। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि काफी शाम हो गई है और दिख नहीं रहा है। हाँ, एक दो और देख लेते हैं। ये घुमाओ भाई, घुमाओ। हाँ, ये रिंग है, ये रिंग को इसको दोनों हाथों से पकड़ के आप दाएं बाएं घुमा सकते हैं। एक हाथ से नहीं घुमा सकते क्या? आपके वन हैंड भी कर सकते हैं, है ना? बट वो दोनों हाथों से कर रहे हैं लड़का। और ये देखिए, ये छोटे बच्चों का है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सब छोटे बच्चों का है। ये इसका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। पेट के लिए कर रहे हैं ऐसा, ये एक्सरसाइज पेट के लिए है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके अंदर जाएगा, ऐसे पुशअप करेगा, ऐसा ही बना हुआ है। अच्छा, तो पेट बाहर अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा। और उससे तुमको क्या मजा आ रहा था? उसपे वो बच्चों वाला खेल है, वो अपना चकरी नाच रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं होता है उसी प्रकार से है वो, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाय।